नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दतिया, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने जिस तरह एक मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजने का कार्य किया, उसके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अशोक दांगी बगदा ने कहा कि पुलिस प्रशासन कांग्रेसियों पर जितने भी जुल्म करना चाहे, मामले दर्ज करना चाहे, वह दर्ज कर ले। वक्त हमारा भी आएगा, सत्ता परिवर्तन होने के पश्चात उन्हीं शैली में चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। आम सभा को करेरा डबरा के विधायकों के साथ साथ अनेक कांग्रेसियों ने भी संबोधित किया। जिलाध्यक्ष दांगी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आगामी 25 फरवरी को पूर्व मंत्री मुकेश नायक के नेतृत्व में दतिया में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें सभी लोग जेल जाने के लिए तैयार रहें। समझ जाओ कोतवालों कि मंत्री की चमचागिरी ज्यादा ना करें आप लोग। आप भी समझ जाएं, कांग्रेस का वक्त आने वाला है। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जब सरकार बनेगी तो आपसे एक एक कार्यकर्ता के साथ अन्याय हो रहा है उसका बदला लिया जाएगा। आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आपकी मिस्टे यहां से लेकर भोपाल तक पहुंच गई हैं। आपकी लड़ाई, एक एक कार्यकर्ता की लड़ाई हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी लड़ने को तैयार हैं। एक एक कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अगर आज भी पूर्व प्रशासन और यहाँ का भ्रष्ट प्रशासन नहीं जीता तो दतिया में पूरे प्रदेश के विधायक आएंगे, पूरे प्रदेश के नेता आएंगे, पूरे प्रदेश के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आएंगे, पूरे प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष आएंगे और यहाँ गिरफ्तारी देंगे। कितनी ऊंची जेल हमारी देखी और देखेंगे। अपन सब लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। कार्यकर्ताओं के आगे ये नेता कुछ भी नहीं है। ये नेताओं को अपने साथ आना पड़ेगा, कुछ भी जो समझे अपने आप को। हम सब लोग एकजुट रहे हैं, 25 फरवरी की तैयारी करें। जो नायक जी ने आदेश दिया है हम सबको, एक बड़ी रैली, पूरे प्रदेश के विधायक यहाँ दतिया में आएंगे। अगर अमन चैन दतिया में नहीं हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अगर मुख्यमंत्री ऐसे होते रहे तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। पूरे जिला में पूर्व प्रशासन में पुतले दहन करेंगे। अध्यक्ष जी आप संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी आप संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे सभी साथी आए हैं, हमारे तीनों विधायक, चाहे सबलगढ़ से, डबरा से, करेरा से वो आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक दांगी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। आप सभी को अपना बहुत बहुत आभार। आप सब लोग इसी तरह हमारे पूरी जिला कांग्रेस कमेटी को, पूरे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षों को, पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इसी तरह ताकत और सम्मान देते रहेंगे तो हम लोग ये लड़ाई पीछे हटने वाले नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।